के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है हिरिस्टन बुटीक। यहाँ पे हैंडमेड चॉकलेट प्रीमियम क्वालिटी की मिलती है और अंदर ये लोग साथ चॉकलेट बना रहे हैं, साथ साथ हम इनकी चॉकलेट शायद टेस्ट भी करें, बाकी प्रीमियम वर्थ इट है भी कि नहीं। तो यहाँ पे ये हमें पकड़ा देंगे, पास पकड़ा देंगे। जो हमारी टूर गाइड है ना, ये उनकी तरफ से होगा कि हम सारे एक ग्रुप की तरफ से, तो वो हम सबको पास देगी। Welcome to Malaysia and welcome to Harrison Boutique. I'm your in-house guide. I will guide you. Later we can go inside to try the chocolate one by one. तो ये है हमारा गाइड जो कि हमें टोटली एक्सप्लेन कर रहा है कि चॉकलेट एक्चुअली बनती कैसे है। बेसिकली इसका एक ट्री होता है जिसके ऊपर ये एक येलो कलर का एक फ्रूट उगता है, इसको ये लोग कोको फ्रूट कहते हैं। इसको ये लोग कट करते हैं, फिर उसके अंदर से सीड्स निकालते हैं और फिर उस फल को 5 से 7 दिनों के लिए बॉक्स में डाल के ड्राई होने के लिए रख देते हैं। आफ्टर दैट उसको ये लोग एक फूड हाइजीन प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं और फिर इनकी फैक्ट्री में आके चॉकलेट बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पे इनकी स्पेशल है डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट आपकी हार्ट के लिए अच्छी होती है और जो व्हाइट चॉकलेट होती है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इनकी चॉकलेट की स्पेशलिटी ये थी कि आप ट्रैवल कर लें जितना मर्जी और वो लगेज में ख़राब भी नहीं होगी और मेल्ट भी नहीं होगी। अब हम इनको फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं और आगे जाके हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे सामने लाइव चॉकलेट भी बन रही थी। साथ साथ हमें अपनी चॉकलेट की इंग्रेडिएंट्स बताते हुए और उनकी क्वालिटी एक्सप्लेन करते हुए ये बता रहे थे कि आपको कौन से चॉकलेट किस पर्पज़ के लिए ख़रीदनी चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ चॉकलेट्स अवेलेबल थी यहाँ पे और जिनमें से कुछ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी थी और डार्क चॉकलेट्स में भी इन्होंने 3 से 4 किस्म रखी हुई थी। मजे की बात तो ये थी कि हमें साथ साथ फ्री चॉकलेट भी ट्राई करने को मिल रही थी। ट्राई तो मैंने सारी की थी लेकिन मेरी फेवरेट यही वाली थी जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। अभी हम अगली जगह पे आ गए जहाँ पे आप लोग चॉकलेट परचेज कर सकते हैं और इन्होंने डिफरेंट यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर्स और बंडल्स भी रखे हुए थे। व्हाइट चॉकलेट मुझे कोई इतनी खास पसंद तो नहीं है लेकिन आई थॉट आई शुड गिव इट अ ट्राई और अच्छी थी, बस सही थी। मतलब मैं अगर हूँ मैं इसकी बजाय मिल्क चॉकलेट को प्रेफर करूँगी। अच्छा, ऐसे चॉकलेट लेके खाना में ना बहुत ही एक अजीब वाइब आ रही थी, जिस तरह हम पता नहीं क्या लाइन में खड़े होके ले रहे होते हैं। तो ये है इनके इकोनॉमी पैक्स चॉकलेट के और ये अगर आप 4 लेंगे तो आपको एक साथ फ्री में होगा। 251 रिंगिट की आपको ये पैक्स मिलेंगे और इनमें इन्होंने मिक्स करके चॉकलेट्स रखी हुई थी। यहाँ पे ये इन्होंने पूरे पूरे पैक्स बनाए हुए हैं, गिफ्ट पैक्स, और ये कितने के 295 का है। ये पूरा पूरा 295 का सेट है और अंदर ये वाली सारी चीज़ें इन्होंने ना जा रही हूँ एक और चॉकलेट खाने जा रही हूँ वैसे फील आ रही है, प्लीज चॉकलेट दे दो प्लीज। ये सारी इन्होंने हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट्स रखी हुई हैं। पूरा बॉक्स अगर आप लेंगे तो 338 का मिलेगा और डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। अगर आपने सेपरेटली लेने हैं यार, मुझे ना ये वाला फ्लेवर पसंद है, ओरियो फ्लेवर, कॉफ़ी फ्लेवर और डार्क आलमंड, ये मुझे फ्लेवर्स पसंद है। इनकी ये प्राइस है, 9 पीस लेंगे तो इतने के, 5 लेंगे तो इतने के। खैर मैं ही नहीं यहाँ से ले रही चॉकलेट्स, ऐवे बंदा बोले, मैं यहाँ से नहीं लूँगी, मैं बाहर से ही जाके लूँगी जितने की यहाँ से चॉकलेट्स मिल रही हैं ना। मतलब वो जो 228 का पैक पड़ा हुआ था वो पाकिस्तानी तकरीबन 18 से 20 हज़ार बनता है। अच्छा, इन्होंने ना यहाँ कड़ी फ्लेवर में भी चॉकलेट रखी है, चिली फ्लेवर में भी रखी है और ये जिंजर फ्लेवर में रखी है। ये मतलब लोग अक्सर पता है क्या है, तो ये हेल्थ के लिए इन्होंने बनाई है ना, कि मतलब पता है कुछ शुगर पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक होते हैं, वो नहीं खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये चॉकलेट ले जाते हैं और जाके अपने दोस्तों को भी प्रैंक करते हैं, अभी उनको देते हैं। चलते चलते मैं क्या देखती हूँ कि यहाँ पे चॉकलेट क्लास चल रही है। मतलब ये कोई जो टूरिस्ट आए हुए थे ना, ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपनी खुद ही पर्सनलाइज्ड चॉकलेट बना रहे थे और ये इन्होंने फैक्ट्री ने इनको आइसिंग और पाइपिंग और चॉकलेट्स दे दी थी और ये लोग खुद ही बना रहे थे अपनी चॉकलेट्स। सिटी टूर करने के बाद मैं आ गई थी होटल अपने वापस, आके मैंने 1-2 घंटे नैप लिया। उसके बाद आज हमारा लास्ट डे यहाँ पे मलेशिया में, इसके बाद मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने फिर से कर ली है, कुछ ड्रेसेस लिए हैं, शर्ट्स लिए हैं और आज वीकेंड है तो इसलिए आज मॉल में ज़्यादा रश है
और भूख मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। अब मेरा दिल कर रहा है आज लास्ट ईयर कुछ ऐसा खाया जाए जो पाकिस्तान से नहीं मिलता। दिल तो मेरा वही है कि कोई क्रैब्स या ऑक्टोपस वगैरह खाऊं। तो मैं जा रही हूँ देखने के लिए और कोई जगह ढूंढती हूँ जिधर अच्छी अच्छे से क्रैब्स मिल जाए मुझे। सी फूड तो रास्ते में कहीं नहीं लगा हुआ था, लेकिन ये एक हलाल मुझे बर्गर शॉप नज़र आई है। यहाँ से मैंने अपने लिए एक डील कर ली है और अभी ये मेरी ड्रिंक है। अच्छा हाँ, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही इसलिए मैंने फ्रेश लाइम ले लिया है और अभी मेरे ऑर्डर में टाइम है बस 1 मिनट। थैंक यू। लो ये मेरे पास पैसे आ गए। खाना खा के मैं अपने होटल से बाहर आई हूँ और इतनी तेज़ अचानक से बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज़ बारिश हो रही है और आज हमारी यहाँ से वापसी है, यहाँ पे भी बारिश शुरू होगी। पहले हम वहाँ थे, जब हम बैंकॉक से निकल रहे थे वहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई, सिंगापुर से निकल रहे थे वहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई और अब हम यहाँ से मलेशिया से निकलने लगे तो इधर भी बारिश शुरू हो गई। जो यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं अभी हम उनके तरफ जा रहे हैं क्योंकि आज रात का डिनर हमारा उनकी तरफ था। यहाँ पे हमने अच्छा सा डिनर एंजॉय किया, बिल्कुल ऐसे घर वाली वाइब्स थी, घर का बना हुआ हमने खाना खाया, बहुत मज़ा आया था हमें अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश अभी भी हो रही है और अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आज के बल्कि इस पूरे टूर की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है। अभी हम जा रहे हैं ट्विन टावर, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा सा व्यू इंजॉय करेंगे। यहाँ पर इस टाइम रात के 9:30 हो रहे हैं। उसके बाद अभी वापस होटल जाके हमने पैकिंग भी करनी है, फिर शॉवर लेना है, सुबह की फ़्लाइट की तैयारी करनी है और कल की फ़्लाइट से मैं वापस पाकिस्तान जा रही हूँ। KLCC मॉल आ चुके हैं, बाहर बारिश हो रही है, ये मैंने अम्ब्रेला भी निकाल लिया है। अभी हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बाहर का व्यू बहुत मज़े का, इस बिल्डिंग का वो देखेंगे अभी हम जाके। और अभी फ़िलहाल तो हम मॉल में हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम के पाबंद है, 10 बजे इनकी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं और बस अभी ये क्लोजिंग टाइम है तो सब लोग बाहर जा रहे हैं। बारिश में हम आ चुके हैं, हमें नहीं सुकून है, हमने कहा लास्ट डे है हमारा तो लास्ट डे को भी इंजॉय किया जाए। तेज़ बारिश हो रही है, ये अम्ब्रेला में हूँ मैं, साथ मेरे आप ही हैं, हम आ गए आप ही ध्यान से स्टेप है, बारिश इंजॉय करने आ गए। बिल्डिंग का व्यू लेना था मैंने, ये स्विमिंग पूल है मेरे ख्याल से, आगे ही ना हम चले जाए। अच्छा जी, ये ट्विन टावर का व्यू है इस टाइम और क्या ही खूबसूरत व्यू है। बारिश कभी ना होती तो मैं ये सुकून से ये व्यू देखती। इंसान को जिंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करना चाहिए। पता नहीं देखें आप ही बताएं कि जब भी हम जिस कंट्री से निकलते हैं वहाँ आखिरी दिन में बारिश हो जाती है, कि ये क्या सीन है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा खैर, मैं ये कह रही थी कि इंसान को अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि पता नहीं वक्त दोबारा मिले कि ना मिले, ज़िंदगी दोबारा मिले कि ना मिले, सेहत वाली ज़िंदगी मिले कि ना मिले। इसलिए मेक श्योर करें कि आप सब भी अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करें, मेमोरेबल बनाएं। जिस तरह अभी आप ही चप्पल को हाथ में पकड़ के घूम रही हैं, ये देखिए जी चप्पल हाथ में पकड़ लिए, गीले हो चुके हैं, लेकिन ये व्यू वर्थ इट है जिसके लिए हम आए थे, ये व्यू देखने के लिए हम आए यहाँ पे। हमने बारिश भी यहाँ के एंजॉय कर लिया, आपकी कैसे एक्सपीरियंस रहा, मजा आया? बहुत मजा आया। मेरे तो फिर कुछ बचत हो गई है, आप ही तो फुल भीग गई है आप ही, लेकिन हम ना कल आने वाले कल में हम यही वक्त याद करके हंसेंगे और मतलब बहुत हमें ये वक्त याद आएगा। लास्ट नाइट है, हम कोई मौका नहीं छोड़े, हाँ कोई मौका नहीं छोड़े हम यहाँ से एंजॉय करने का। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और ये हलाल है, ये क्रैब्स पड़े हुए हैं, ये मेरे ख्याल से प्रॉन्स भी हैं, सी फूड पड़ा हुआ है। पाकिस्तान जाने से पहले भाई मैं तो यहाँ पे आके ज़रूर ट्राई करती हूँ, अभी पहले जाके 7-Eleven से स्नैक्स लेके आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आके क्लोज करते हैं। ये मैंने अपने लिए स्नैक्स भी ले लिए रास्ते के लिए और कुछ पाकिस्तान के लिए, मैं दिखाती हूँ। ये है इस तरह के, मैंने प्रेटजल्स लिए हैं, क्रैकर्स लिए हैं और क्रोसॉन्ट लिया है, चॉकलेट लिए है, ये मैंने ले लिए स्नैक्स। ये आप ही ने अपना बिल करवा लिया है और अब हम जाके मैं क्रैब भी लेके आने लगी। आप ही कह रही हैं जो पैसे पैसे बच गए ना ये खर्च करके जाते हैं, कितने बचे? 11, 12, 13, 14, 15 और आगे से कुछ सिक्के, 10
पैसा 20। आप ये कह रही है पैसे साथ लेके जाके क्या करना है, यहाँ से कोई आइसक्रीम वगैरह ले लो। तो देखती हूँ कौन सी आइसक्रीम लेनी है, मेरा तो दिल कर रहा है। मुझे तो ये भी अच्छी लग रही है, पता नहीं कैसी होगी। ये अच्छी लगी, मैं फिर ये ले लेती हूँ। ये वाली दिखाएं आप, मैंने ये वाली ली है और आपने कौन सी ली, आप ही ने किटकैट में लिया। अब हम इसका बिल कराते हैं। मैंने अभी क्रैब स्टिक ली है, श्रिम्प ली है, प्रॉन है मेरे ख्याल से, लॉबस्टर बॉल ली है और वो भी क्रैब है और दूसरे टाइप का वो ली है। ये चार ली है मैंने और वो मुझे फ्राई करके देंगे। ये टोटल बिल इसका 10.5 रिंगिट बना है और पता नहीं कैसा टेस्ट होगा इनका ज़िंदगी में। पहली दफ़ा मैं ये लॉबस्टर तो ट्राई किया, क्रैब आज मैंने पहली दफ़ा ट्राई करना है। इसी तरह इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा होगा ये। हाँ लेकिन इतना मुझे पता है भाई, सी फूड बड़ा मज़े का होता है।